बैगा जाति के आदिवासियों के साथ छल किया गया है। आदिवासियों को मिलने वाले आवासों पर अधिकारी और ठेकेदारों ने सेंध लगा दी है। आदिवासियों के आवास तो नहीं बने हैं, लेकिन राशि फिर भी निकाल ली गई। कई आवासों का निर्माण अब तक अधूरा है और आदिवासियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़े बड़े पीजी सरकार, मगर हिसाब जैसा कुछ है। हाँ। बैगा परिवार का 15-20 से जितना जन के पास हुई, हाँ। की सही आवास नहीं बनी आई। जितना मसाला डाले चाहिए, मसाला नहीं, कौन कुधरे महीने छाप छूक दे हैं। हाँ। अच्छा, पूरा बन गया का सबके आवास? हाँ बने हैं, गिरत गए है दाऊ। हाँ। हाँ। बहुत जन की गिरो गए है, बहुत कहु की लेंटर नहीं बने है। हाँ। कहु के एक साइड दीवार लूटे प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, ये आपके पिताजी के नाम पे था। अच्छा, तो ये पूरा नहीं बन पाया भैया, क्यों नहीं बन पाया? पता नहीं क्यों नहीं बन पाया, नहीं लग नहीं सर। नहीं तो क्यों नहीं बन पाया? पैसा आया तो कहाँ, कौन ले गया पैसा? ठेकेदार लोग ले गए। ले गए? कितने साल से ले गए पैसा? 2 साल हो गए। बस यही है, किसी का यही स्थिति जो दिख रहा है। हाँ। किसी का छत ढला है, किसी का छत नहीं ढला है। हाँ। किसी का तो दीवार भसक गया है। बस यही प्रकार का बना हुआ है, कई लोगों का तो गिर गया है। हाँ। और एक लोगों तो ऐसा है कि उसका कच्चा भी घर गिर गया। हाँ। तो यहाँ नहीं रहता, दूसरे मोहल्ला भाग गया है, वो रहने चलने गया। प्रधानमंत्री आवास में सभी घोषणा का 2016-17 का स्वीकृति है, तो पहले वो ठेकेदार द्वारा कुछ हितग्राही लोग काम करने के लिए दिए थे उनको, तो क्या है आधा काम करिए है, हितग्राही लोग के द्वारा RTGS के द्वारा उनको पैसा भुगतान 2 किस्त कर दिए गए हैं और काम अधूरे में छोड़ के चले गए। तो एक तो उनसे राशि वसूल करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा दोबारा तो मिलेगा नहीं इस योजना से, और इसके लिए बाकी जिला सीओ से भी हम और चर्चा करेंगे। मान लीजिए राशि नहीं मिला है तो और कोई मत से अगर हमको मदद मिल जाए तो आवास को हम पंचायत के माध्यम से पूरा करवाएंगे।